गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ NYB के न्यूली लॉन्च्ड लिप लाइनर्स। सो ये इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में हमें ये प्रोडक्ट रिसीव होता है। यहाँ पर काफी स्लीक पैकेजिंग है। ये प्रोडक्ट क्लेम करता है दैट इट इज हाईली पिगमेंटेड, लॉन्ग लास्टिंग, स्मज रेजिस्टेंट, लाइट वेट, वॉटर रेजिस्टेंट एंड ईजी टू अप्लाई, जो अभी हम चेक करेंगे कि ये किस तरीके से है। इसकी शेल्फ लाइफ जो हमें दी जाती है वो है 3 इयर्स की एंड नेट वेट जो हमारे प्रोडक्ट का है वो है 0.25 ग्राम्स। इसकी MRP है 125 रुपीज, पर डिस्काउंट के बाद आपको ये काफी कम प्राइस में मिल जाएगा, समथिंग अराउंड 60 to 65 रुपीज। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पैकेजिंग है। इंग्रीडियंट्स भी सारे मेंशन किए गए हैं यहाँ पर। अब इसे हम ओपन कर लेंगे। शेड नेम यहाँ पर मेंशनड है, बट इन लिप लाइनर्स के जो भी शेड आपका है वो इसकी पैकेजिंग में भी सेम शेड यहाँ पर दिया जाता है, जो कि काफी ज्यादा इजी होता है हमें डिटेक्ट करने के लिए कि हमें कौन सा शेड अप्लाई करना है, जो इसकी अच्छी बात थी। सो इस तरीके से हमें रिसीव होता है। इसके ऊपर एक प्लास्टिक कोटिंग है जिसे मैं रिमूव कर लूंगी। सो गाइज ये कुछ इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है। ये प्लास्टिक का है, प्लास्टिक पैकेजिंग है। यहाँ पर शेड नेम मेंशन किया गया है, तो यहाँ पर मेरे पास है शेड नंबर 05। ये काफी ब्राउनी एंड न्यूडी शेड है इस तरीके से। सो ये इस तरीके से रोलिंग पेंसिल है, ये शार्पन पेंसिल नहीं है, जो अच्छी बात है। शार्पन पेंसिल में काफी सारे प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट हो जाते हैं इस तरीके से। सो यहाँ पर हम इस प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी चेक करेंगे कि ये अप्लाई करने के लिए स्मूथ है या नहीं। सो इस तरीके से ये ग्लाइड होता है। काफी लाइट कलर है जो मुझे इतना पसंद नहीं आया। अगर ये और ज्यादा पिगमेंटेड होता तो अच्छा रहता। ये काफी लाइट पिगमेंटेड है। आई गेस सेकेंड स्ट्रोक जब आप अप्लाई करेंगे तो इसका कलर और ज्यादा इंटेंस होगा, बट ये सिंगल स्ट्रोक में काफी ज्यादा लाइट है इसका जो कलर पे ऑफ है इस तरीके से। प्लस ये प्रोडक्ट क्लेम करता है दैट इट इज लॉन्ग लास्टिंग एंड स्मज रेजिस्टेंट। तो यहाँ पर इस तरीके से ये हल्का हल्का स्मज हो रहा है, बट ऑब्वियसली हम हमारे लिप्स को इस तरीके से तो नहीं ड्रैग करेंगे। तो इस तरीके से हल्का हल्का स्मज हो रहा है, तो ये भी क्लेम इनका फॉल्स था, ये स्मज प्रूफ नहीं है। सो यहाँ पर मेरे पास इनके कुछ इस तरीके के 5 शेड्स अवेलेबल है। शेड्स काफी सारे, काफी ज्यादा प्यारे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इन सबके स्वॉचेस मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी किस तरीके के हैं। इनकी जो MRP है वो 125 रुपीज है, बट अगर आप इसे MRP प्राइस पे परचेज करेंगे तो ये कम्प्लीट वर्थफुल नहीं है। सो अगर आपको कोई अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है 50% ऑफ या 60-70% ऑफ, तो ही आप इसे परचेज करें, बिकॉज 125 के लिए ये प्रोडक्ट इतना वर्थफुल नहीं है। अब मैं इनके स्वॉचेज आपके साथ शेयर करूंगी। सो मेरे पास जो पहला शेड है वो काफी ज्यादा ऑरेंजी एंड काफी ब्यूटीफुल शेड है, ये है शेड नंबर 03। अब इसका स्वॉच हम देख लेंगे। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था, इसका जो कलर पे ऑफ है वो इतना इंटेंस नहीं है, मुझे इतना खास नहीं लगा। बट जैसे कि लिप लाइनर है, आपको इसके ऊपर लिपस्टिक अप्लाई करना होगा तो ठीक है, बट इनका जो कलर पे ऑफ है वो इतना खास नहीं है। तो इस तरीके से ये था शेड नंबर 03। अब हम देखेंगे शेड नंबर 07। ये थोड़ा पिंकिश, रेडिश पिंकिश शेड है इस तरीके का। इसका सिंगल स्ट्रोक कलर पे ऑफ काफी अच्छा है, लाइक सिंगल स्ट्रोक में ही इसका कलर काफी अच्छा हमें रिसीव हो रहा है, बट ये पेंसिल ब्रोक हो गई है। मे बी बिकॉज मैंने काफी ज्यादा इसे अप्लाई करने के लिए यूज किया था। आपको बस जरा सा ही इसे खोलकर यूज करना होगा, वरना ये बहुत ही इजीली ब्रेक हो जाएगी इस तरीके से। सो यहाँ पर ये है शेड नंबर 08। इसका भी जो सिंगल स्ट्रोक कलर पे ऑफ है वो काफी इंटेंस एंड अच्छा है, आई गेस जो। सो यहाँ पर है मेरे पास शेड नंबर 02। ये रेडिश शेड है एंड कलर काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है इसका, आप देख सकते हैं। अब इसे भी हम अप्लाई कर लेंगे। वाओ, इसका जो कलर पे ऑफ है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है एंड आई गेस काफी स्मूथली आपके लिप्स पे अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। तो इन सारे प्रोडक्ट्स का जो कलर पे ऑफ है वो ठीक है, लाइक मुझे शेड नंबर
सो गाइज ये था एक मिनी रिव्यू इन लिप लाइनर्स के बारे में. अगर आप सोच रहे हैं इन्हें परचेस करने के लिए आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बट हाँ ऑफ अगर आपको रिसीव हो रहा है तो ही आप कीजिए, 125 रुपीज इतना वर्थ इट नहीं है. एंड शेड नंबर 05 एंड शेड नंबर 03 का जो कलर पे ऑफ था वो इतना अच्छा नहीं था, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं. रेस्ट शेड नंबर 02 ये रेडिश जो शेड था ये काफी ज्यादा स्मूथ है इसे अप्लाई करने में भी, एंड प्लस इसका जो कलर पे ऑफ है वो भी काफी ज्यादा स्मूथ है, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. सो गाइज इन लिप लाइनर्स को आप मल्टी यूज भी कर सकते हैं, आप इसे आईलिड के ऊपर भी अप्लाई करके स्मज कर सकते हैं. लाइक फॉरन अप्लाई करके अगर आप स्मज करेंगे तो ये इजिली स्मज हो जाएगा, एंड इस तरीके से आप अपने आईलिड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं. काफी इजी है इसे अप्लाई करना इसीलिए, एंड यस आप इसे एज अ आईलाइनर भी अपने आईज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. सो अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम.